हमें ट्विंकल की दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। ट्विंकल, ट्विंकल अपने कमरे में नहीं है, कहीं देखा है? नहीं बेबे, सुबह से मैं यहीं हूँ, यहाँ तो नहीं देखा मैंने उसे। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती और इसमें मेरा परिवार मेरे साथ है। कल उषा और मैं दोबारा ट्विंकल की शादी करवाने की बात कर रहे थे, शायद ट्विंकल ने सुन ली और इसलिए नाराज होकर हमें छोड़कर चली गई। चली गई बेबी। क्या बेबे, बेबे आप ठीक हो? क्यों होया? मैं पानी लेकर। हाँ बेबे, बेबे मनोहर जी सुनिए जी, बेबे एली जी पढ़ा, बेबे मैं डॉक्टर को बोला। Thanks pitching. तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, तुझे पता है मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे? हद हो गई यार ट्विंकल, तेरी हद हो गई कसम से। ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है क्या? ना किसी को बताया, ना इन्फॉर्म किया, ना पूछा, ना कुछ करा, बस बस चले गए। यहां तक कि फोन भी तेरा बंद आ रहा है। क्या है? समझती क्या खुद को? हाँ मन तो करेगी। Do you have any idea? तेरी family members कितने stress में right now? Baby ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मनोहर अंकल अलग stress में, उषा आंटी अलग stress में, वो मनोहर अंकल कहीं से दर भटक रहे। कि तू मिल जाए, और लीला आंटी उनका तो पूछो मत, हालत खराब है उनकी। मैडम यहाँ छुप के बैठी है होटल रूम में, लव देयर। वाह हाँ ये अच्छा, पहले खुद ही स्टंट करो, लोगों को टेंशन दो और अब रोना चालू। क्यों? ताकि सामने वाला गिल्टी फील करे, गिल्ट से मर जाए बेचारा। क्योंकि तूने बिल्कुल जो भी है, चल अब रोना बंद कर और चल मेरे साथ घर। छोटी सी बच्ची है क्या तू कि किसी ने कुछ कहा और घर छोड़ के आगे भागे? स्टूपिड लड़की तू, स्टूपिड तेरा फोन, स्टूपिड तू। मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं यहीं पे रहूंगी। डू यू गेट इट? मेरे कुंज की यादें जो अपने बेबी के साथ शेयर करनी है। मेरे बच्चे को तो पूरा हक है ना अपने पापा के बारे में जानने का। मैं यही रहूंगी, तो जाके सबको कह दे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यही रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बस ट्विंकल, खत्म हुआ इंतजार। मैं तेरे पास वापस आने वाला हूँ और इस बार हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हम फिर से एक होने वाले हैं ट्विंकल, एंड दिस टाइम इट विल बी फॉरएवर। कुंज, आर यू रेडी टू सी योर फेस? टेंशन कैसे ना लूं? तू बता उषा, टेंशन तो होगी ना मुझे? देखना, मैंने ट्विंकल की दूसरी शादी की बात ही छेड़ी थी,
और उसे इतना बुरा लग गया कि वो घर छोड़कर चली। ऐसा मत है उषा, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मेरी वजह से ट्विंकल को तकलीफ हुई है। मैंने तो बस उसके भविष्य के बारे में सोचा था। मैं तो भूल गई थी कुंज की यादों को वो भुला नहीं पाएगी, इतना आसान नहीं है उसके लिए। ट्विंकल, मैं जानता था कि तू जरूर आएगी। आई न्यू इट। अब तू आ गई है ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई मिस यू सो मच ट्विंकल। छोड़िए मुझे, कौन है आप? मुझे ट्विंकल ट्विंकल क्यों बुला रहे? ट्विंकल, कुछ संभाल के, संभालो अपने आप को। अभी अभी तुम्हारी सर्जरी हुई है, कुछ अगर इन्फेक्शन हो गया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। नहीं, मुझे सिर्फ ट्विंकल की जरूरत है। मुझे ट्विंकल से मिलना है अभी। प्लीज मुझे ट्विंकल के पास लेकर जाओ। हाँ कुछ, पहले अच्छी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद चल। नहीं, मुझे ट्विंकल से मिलना है, अभी मिलना है। बस एक बार उसे देख लो, उसे देख लूंगा ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। I don't know why, लेकिन बहुत weird सी feeling हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ट्विंकल मुझसे दूर जा रही है। नहीं, ट्विंकल मुझसे दूर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज डॉक्टर, मुझे बस एक बार ट्विंकल से मिला दो, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। It's a request. ट्विंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं तेरी लाइफ सॉर्टेड कर सकता हूँ। डर तो मुझे इस बात का है कि कहीं तुझे ये ना लगे कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ। आई जस्ट विश आई न्यू व्हाट आई कैन डू। आंटी, अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तेरी चौखट पे आऊंगी यूवी। 100 बातों में एक बात, तू और तेरी माँ हमेशा मेरे परिवार के लिए बुरी खबर बनकर आए हैं।